हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर स्याणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, महला पहला, लख नेकियां चंगियाईया, लख पुन्ना परवान, लख तप ऊपर तीर्था, सहज जोग बेबान, लख सूरतन संग्राम, रण में छुट है प्राण, लख सुरती लख ज्ञान त्यान, पढ़ी है पाठ पुराण, जिन करते करना किया, लिखिया आवण जान, नानक मती मिथ्या, कर्म सच्चा निशान, जिन करते कारण किया, लिखिया आवण जान, नानक मती मिथ्या, कर्म सच्चा निशान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दी आशा की वार दी अठवीं पौड़ी नाल जो शलोक गुरुदेव ने दर्ज किते ने, ए दोनों शलोक भी आद गुरु सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे उचारण किते ने। पहले शलोक दी जो विचार चल रही है उस विच कल तक आपां विचारिया सी, उस करते पुरख वाहिगुरु ने ए अनेकां भांतां दे जीव जंत आप सिरजे ने, ते इन्हां दी गिनती मिनती इन्हां दा अंदाजा ओ आप ही जानदा है जिस पार ब्रह्म परमेश्वर ने ए सब कुछ बनाया है। पर नाल इक बख्शिश कीती रात हजूर ने
कि जिस पार ब्रह्म परमेश्वर ने सब कुछ सिरजिया है, इस दी चिंता भी, इन्हां दी रोजी दा फिकर भी उस पार ब्रह्म परमेश्वर नू आप है। हजूर दे ए अमृत बोल सन, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। ओ करता चिंता कर रहा है इस दी कि जिसने जगत नू पैदा कीता है, ते साडे जीवां दा फर्ज की बनदा है, क्योंकि ये सारी पौड़ी की व्याख्या सलोकां संयुगत एक ही सब्जेक्ट चलेगा। महाराज कहिंदे जिसने पैदा किया उन्हें चिंता है। हजूर दे अमृत बचन रात कुछ प्रमाण दिते सन, उस लड़ी नू अगे तोर के अज दे सलोक नाल संयुक्त मिला के अर्थ कर सकी। हजूर दी अमृत बाणी च बख्शिश है। हजूर ने फरमाया है कि ना कर चिंत, चिंता है करते। गुरु ग्रंथ साहिब च जिवें शब्द कहा, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। ना कर चिंत, तू चिंता ना कर, तेरी रोजी इस दा फिकर, इहदा ख्याल, इहदी चिंता करते पुरख नूं है। ना कर चिंत, चिंता है करते, हर देवै जल थल पानी विच धरती ते जितने भी जीव जंत पैदा किते ने, वो करता पुरख आप रोजी दे रहा। ना कर चिंत, चिंता है करते, हर जल थल देवै, सारिया जीवां नूं वो बख्शिश कर रहा। पर एक कृपा उन्हें सब तो पहला ये कीती कि पहला उन्हें रिजक पैदा कर दिता, उस तो बाद जीव की पैदाइश कीती। जिवें रात विच आ रहा सी, पहला जन्म तो मां दे उदर विच रब ने रोजी दित्ती, ते जन्म वेले परमात्मा ने इस जीव दी खुराक मां दे सीने च मक्खन दी तरह जमा के रख दित्ती, ते जदों इंसान दा जन्म होया, सच एवे उस दाते ने जन्म वेले इस नू दुध भी बना दिता। प्रथम है माखन, पाछै दूध, मैलो कीनो साबन शोध। महाराज जी दे बचन ने पहलों देता है रिजक संभाह, पिछों देता है जंत उपाह। उस करते नू आप चिंता है, सारे जीवां नू रिजक ओ आप दे रहा है। इस विच अगे फिर महाराज जी ने एक बख्शिश की, कहन लगे तू एक काम कर, फिर मैं शब्द वरतांगा, उपावन हारा भी ओ करता है, पालन हारा भी करता है, अंदर दियाँ जानन खारा भी करता है, सारिया नू संभालन खारा भी करता है, संभाल के सारिया नू समेटन खारा भी करता है। पर महाराज कहे तू की करें जदो तेरी चिंता उसनू में। सानू दो लफ्ज महाराज गुरु नानक साहब ने कहे, वो फरमायो ने कहने एक काम कर, एक ता तू नमस्कार कर वाहिगुरु जी नू, परमात्मा अगे शीश चुका दे, पहला काम ये करिया कर। दूसरा, अपनी जबान तो उस करते पुरख की जय जयकार कर, उस दी जय बोल। हजूर दे अमृत बचना विच्चों असी विचार रहे सां, सो करता जिन चिंता करे जिन उपाया जग, तिस जोहारी। रात अर्ज की सी, जोहारी का अर्थ है नमस्कार करनी, जोहारी का अर्थ है मत्था टेकना। तू करते नूं की वापस दे सकना, जो कुछ उन्हें तेनों दे दिता, सिर्फ तू घट्टो घट निम्रता च झुकता जाओ दे सामने, तेरा अंदर परमात्मा सामने झुक जाए, तिस जोहारी। ते नाल अगला लफ्जे स्वस्थ, तिस स्वस्थ दा अर्थ है कि जयकार होवे, कल्याण रूप मंगल होवे। इहदा सीधा जिहा अर्थ है वे कि जिस करते नूं तेरी चिंता है, सिर्फ तू दो काम कर ले, एक ओदे सामने झुक जा, ते दूजा अपनी जबान नाल करते दी जय जयकार करिया कर। सिर्फ शरीरक तौर ते झुकना ही नहीं, अपने आप नू मालक दे चरणा च समर्पित कर दे। तिस जोहारी स्वस्थ तिस, इसे नू बाणी विच महाराज जी ने कहा कि बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। उसनू जोहारी, उन्हू मत्था टेक दे। इत्थे मैं थोड़ी जी अर्ज रोक के इस करके
करनी चाहना, भावें श्लोक असी अगलेरा पढ़ दिता है, पर उसकी व्याख्या इस श्लोक नूं जोड़न तो बिना नहीं होनी। हजूर की बाणी च असी पढ़ने मत्था टेकिया जांदा है। दास कई बार बेनती करता है कि असी जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने आउने आ, जो कुछ असी शरीरक तौर पर एक्शन करने हैं, जो साडे धर्म ने सानूं दस्या प्यारिओ, उहदे कोई अंतरीव अर्थ ने। जो साडी शरीर की मुद्रा, मान लो आपां सारे आए हैं, जदों इस हाल विच प्रवेश किया तो सानू किसी सेवादार ने कहा नहीं कि तुसी अपने दोनों हाथ जोड़ लो। असी अंदर प्रवेश करदिआं सारा अपने हाथ जोड़ लै, उस तों बाद असी गुरदेव दे चरणां विच आ के मत्था टेकने ते परकर्मा भी करने। हालांकि मैं ये लफ्ज़ परकर्मा संबंधी एक दिन बेनती भी कर चुका वा कि परकर्मा का अर्थ महाराज के दुआले घूमना नहीं, परकर्मा दे भी कोई अंतरीव अर्थ ने। सिर्फ इन थोड़ा जा मैं दोहरा देंगा, वो गल चेते रहे। एक हाथ जोड़ना, दूसरा मत्था टेकना, ते तीसरी परकर्मा करनी। पर जे कोई पूछा जाए भी क्यों तुसीं हाथ क्यों जोड़दे हो, असी कहांगे इस करके जी हाथ निम्रता दे सूचक ने। ना, कल्ले निम्रता दे सूचक नहीं, हाथ जोड़न दा अंतरीव अर्थ कुछ होर है, मत्था टेकन दा भी अंतरीव अर्थ कुछ होर है। प्यारे ओ, परकर्मा करन दे अंदर दे अर्थ ने। बस ये बाहर मुखी तां समझाए सन कि बंदे नू अंदर दी गल भुले ना, पर याद रखियो अज बंदे नू अंदर भुल चुका है, बस शरीर दे मुद्रा ते शरीर दा चुकना, परकर्मा करनी चेते रह गई। सारे बंदे कतार बना के घूमी जा रहे महाराज के दुआले, क्यों घूमने पए आ, क्यों परकर्मा करने आ, क्यों हाथ जोड़े ने। मैं फिर इस नूं थोड़ा जा दोहरावांगा, हालांकि बाणी ने यह बाणी वचन भी किए ने कि जिस बंदे नूं रब दे सामने गुरु दे सामने हाथ जोड़न की जाच आ जे, एदू वड्डा जिंदगी च पुन ही कोई नहीं। जिस बंदे नूं गुरु रामदास कहिंदे ने अपने गुरु दे सामने मत्था टेकन की जाच आ जाए, एदू वड्डा पुन कोई नहीं, तो महाराज इहदा फल की मिलेगा। कहिंदे ने जिस नूं झुकण की जाच आ जाए, जिन्हों हथ जोड़न की जाच आ जाए, परमात्मा कृपा करे वो अंदरों काम ते क्रोध की बिरति टुकड़े टुकड़े करके बाहर कढ़ देवेगा। हुण देखो एड्डी वड्डी गल, असी बाणी नूं ओपरी नज़र नाल ना पढ़ीए प्यारे, बाणी दे हर शब्द विच बड़ी गहराई है। फिर मैं बेनती करांगा असी रोज़ ये बचन पढ़ने हाँ कि काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, काम ते क्रोध नाल भरी पई है नकानक साडी बॉडी। ये शहर भरिया पे, सतगुरु नूं मिल के ही इहनां नूं खंडित किया जा सकता है। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। अगे साहब दे बचन ने कर साधु अंजुली पुन वड्डा है, हाथ जोड़ ये बड़ा वड्डा पुनी, कर डंडौत, डंडौत मतलब डंडेवत। अर्ज मैं उस दिन की सी, जदों भी कोई डंडौत करता अष्टांग विच ते डंडौत विच फर्क है। अष्टांग का अर्थ हुंदा मत्था टेकन लग्या तुहाडे शरीर के अठ अंग जमीन ते स्पर्श करन, पर डंडौत का अर्थ है कि डंडे की तरह लेट जान। ते उस दे बारे एक दिन मैं कहा सी कि डंडौत करन का अर्थ केवल लेटना नहीं, डंड औत दो शब्द ने, डंड का अर्थ डंडा, औत की अर्थ तरह। जिमें डंडा किसी के हाथ च होवे, डंडे की अपनी कोई मर्जी नहीं चलती। डंडे नूं जमीन ते सट्टे, डंडे नूं कोई कंध ना रखे, डंडे नूं कोई मोढ़ियां ते चुक लै, डंडा तां उहदी मर्जी नूं समर्पित है जिहदे सामने वह रखिया गया, जिहदे हथ च। महाराज कहिंदे डंडौत का अर्थ गुरु के सामने डंडे की तरह तू डिग पाओ, उहदी मर्जी तैनूं लेटिया रहण दे, उहदी मर्जी चुक के तैनूं उत्ती थां ते रख दे। मेरी बेनती है डंडौत का अर्थ अपने आप नूं समर्पण करना है, कर डंडौत पुन वड्डा खे। अगली बेनती मैं करा, अरदास विच वी सिक लफ्ज़ वरतने, जदों अरदास करनी होवे ते महाराज एक बचन करदे ने, दोए कर जोड़ करूं अरदास, दोनों हाथ जोड़ के अरदास कर। सिर्फ मैं ये बेनती तां कर लगा, सबजैक्ट चों बाहर निकल के नहीं,
तिस जोहारी स्वस्थ तिस, तू कुछ नहीं करन जगा उन्हों मत्था टेक दे, उहदी जय जयकार जबान तो कर दे। सिर्फ इत्थी कि जोहारी क्यों मत्था टेकना है, मत्था टेकना कर्म कांडनी पे इहदे अर्थ समझी। फिर बेनती है कि जदों गुरदेव की असी बाणी पढ़ने, देखो इस्लाम विच सजदा कीता जांदा है, आपां चलो चुगिरदे देखने जदों नमाज पढ़ते ने, उन्हां दी मुद्रा कुछ होर है। एक तां वह हथ नहीं जोड़ते, मैनूं पता है मुसलमान वीर दुआ करते ने हथ फैला के, इस तरह असी दोनों हथ जोड़ने हैं ते झुक के मत्था टेकने हैं ते सजदा तां वह भी करते। ते एक दिन दास दे मन सी कि बाबा फरीद जैसा इन्ना मठबुलड़ा महापुरख जिन्हां दी जबान शक्कर तो शहद तो खंड तो वध मिठी, उन्हें भी कहा सी जेड़ा मुसलमान हो के रब दे सामने नहीं झुकदा उस बंदे दा सिर ला के चुल्हे विच रख देना चाहिए, घट्टो घट सब्जी पकान दे काम आ जाएगा। एडा लफ्ज़ वर देना, इहदा मतलब झुकण दा कोई मतलब सी। उन्हां दा बोल है कि जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार। बाबा जी कह रहे ने तिस जोहारी जेड़ा तेरी रोजी जी चिंता करता है मत्थे टेक जा उन्हूं उहदे अगे चुक। ते बाबा फरीद साहब दे बोल ने कहन लगे जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार। जेड़ा साई अगे सिर नहीं झुकदा, ये गुरु अंगद साहब का वचन है, सो सिर कप उतार उन्हूं कट दे। ते बाबा फरीद साहब कहिंदे ने कि जो सिर साई ना निवै सो सिर की जय काएं। जेड़ा जोहारी नहीं करता मत्था नहीं टेकता उस सिर नूं की करिए। कहिंदे एक काम करो उस सिर नूं कुन्ने हेठ जलाइए बालण संदे थाए जिथे लकड़ा फूकना सिर फूक दे जेड़ा रब दे सामने नहीं झुकता। फिर बेनती कि जदों असी हथ जोड़ने हाँ इहदा मतलब है कोई प्यारिओ, एक लफ्ज़ एक वारी मैं वरत्या सी मुठ्ठी बंद, ये सारे जिहड़े बाहर दे चिन्ह ने इन्हां दे अंदर दे कोई अर्थ ने, पर याद रखियो ऐसा ऐसा चिन्ह रह जाते ने अर्थ गवा जाते होंगे अर्थ भुल जाते। हुण जदों बच्चा जन्म लैंदा है उदों हाथ बंद है मुठ्ठी बंद है, जदों इंसान की मौत हुंदी है तो उहदे हाथ खुल जाते। अज भी असी मुठ्ठी बंद लफ्ज़ बड़ा रमज़ भरिया वरतने कि इस बंदे की बंद मुठ्ठी विच बहुत कुछ है। इस तरह मैं बेनती करा जदों असी गुरु के सामने आने असी मुठ्ठी बंद करके मत्था नहीं टेकते, इस तरह नहीं कभी किसी किया, अपने दोनों हथां नूं इकट्ठियां खुल्लियां करके तलियां नाल तलियां जोड़ के असी जदों हथ जोड़ने हाँ इहदा मतलब स्पष्ट है वे खे मेरे सतगुरु सब कुछ तेरा दिता होया भोग रहा खा रहा पै रहा, मैं दोनों हाथ खाली करके आ गया, मेरे अपने हाथ विच कुछ भी नहीं। प्यारे ओ कल्ला निम्रता दा सूचक नहीं, हाथ जोड़न दा मतलब है सरेंडर करना, हाथ जोड़न दा मतलब है समर्पित करना। अज भी देखो जेड़ा बंदा क्राइम करदा है जदों भी उहनूं किते बाहर खास करके, इत्थे तां चलो कड़ी उदों लांदे ने जदों कोई जेल लै के जांदा है कोर्ट विच, उत्थे जदों भी बंदा हाले कि उहदा केस चलना है जदों पता लग जाए भी बंदा क्राइम करके दौड़िया है, सब तो पहला काम उत्थे कहा जाता लेट जा, इस तरह खलोते नहीं पकड़ते। उत्थों की पुलिस बंदे नूं पुठियां लटा के उहदे हथ पिछे करके उन्हों हथ कड़ी ला के फिर अगली गल कर दी। इहदा मतलब हुंदा है कि ये अपने आप नूं सरेंडर कर गया समर्पित कर गया। मेरी बेनती है जदों असी हथ जोड़ने हाँ हथ जोड़न का मतलब अपने आप नूं समर्पित करना, तो जदों मत्था टेकना जिन्नी मेरी मत सी जिन्नी मेरी अकल सी जो मेरे कोल नॉलेज है मैं सब कुछ अपना दिमाग तेरे चरणों में समर्पित कर दिता। मेरी बेनती है बाबा जी कहिंदे ने उहनूं मत्था टेक दे जिसने तेनू इन्नियां वड्डियां दातां दित्तियां। हजूर दे अमृत बोलां विच्चों तिस जोहारी स्वस्थ तिस, एक हाथ जोड़ के मत्था टेक दे, दूसरा अपनी जबान तो उहदी सिफत कर उहदी जय जयकार, तीसरी मैं अर्ज की सी परिक्रमा। चलो ये ज़्यादा मैं दोहरावगा नहीं, असल च दुनिया की हर चीज़ जिहड़ी वो परिक्रमा के उत्ते निर्भर है। आप जी कहोगे हर चीज़ किवें, जिस जमीन ते असी तुसी बैठे हाँ साइंस ने तो सिद्ध कर दिता होया
कि यह जमीन रोजाना अपने धुरे ते परिक्रमा करती घूमती पई। ये जमीन सूरज की परिक्रमा कर रही है, धरती साड़ी धरती की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, तो ये साडा सौर मंडल किसी होर की परिक्रमा कर रहा है। जिदी ये परिक्रमा कर रहा है किसी वड्डे की होर की परिक्रमा कर रहा है। ये सारा सिस्टम की है जी परिक्रमा करन दा, क्यों परिक्रमा करन धर्म च रख्या। ईवन के भाई नंद लाल साहब नूं तां गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि सवेख जदों मत्था टेके तो गुरु ग्रंथ साहब की तीन वारी परिक्रमा करे, प्रभात समय करके इशनान, तीन प्रदक्षिणा करे सुजान, तीन वारी परिक्रमा करे। उस दिन दास ने कहा सी परिक्रमा हमेशा वो चीज़ कर दी है जिन्हों वड्डी अपने वल खिच के रख दी है। फिर सुनियो, धरती नू खिच पा दिती, वो ग्रैवी ग्रैविटी करके करखण करके परिक्रमा कर रही है। हर वड्डी चीज़ छोटी नू अपने वल खिच दी है, वो खिच विच आई कोई परिक्रमा कर दिए, जेड़ी चीज़ विचों खिच खत्म हो जाएगी उहदी परिक्रमा खत्म हो जाएगी, जिहदी परिक्रमा खत्म हो जाएगी उत्थे जीवन खत्म हो जाएगा। परिक्रमा दे कोई अर्थ नहीं। फिर बेनती करांगा, हर छोटी चीज़ वड्डी दी परिक्रमा कर दिए। शायद इस करके भाई वीर सिंह उन्हां ने एक पंजाबी च उन्हां दी नज़म है उहदा सरलेख खिच, मैं थोड़े जो जरूर पढ़ देना, वह भी परिक्रमा बारे। उहदे विच उन्हां एक लफ्ज़ वरत्या है कि तुसी बन्निया नेम वड्डे खिचण छोटिया, परिक्रमा वड्डा खिचदा पिया छोटे नूं। इस करके दास कहिंदा हुंदा है आनंद कारज वेले भी जदों बच्ची बच्चा परिक्रमा करदे ने उन्हां नूं दसो कि भलियो यूनीवर्स का अर्थ भी एवें जिहड़ा एक दे दुआले घूमदा है। तुसी परिक्रमा तां कर लगे हो, अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब तुहाडे लई सब तो वड्डी थां, इहदी परिक्रमा करो। गुरु तुहाडे अंदर खिच पाए, गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा तो तुसी कदी बाहर ना निकलो। जे बाहर निकलोगे खिंड जाओगे। जिहड़ी चीज़ परिक्रमा करदी कोई परिक्रमा तो टुट गई वो खत्म। भाई वीर सिंह लिख खिची है ना, चंद्रमा की खिच पानी नूं समुंदर नूं खिची जा रही हो, ज्वार भट आ रहे। पंजाबी दियां सत्रां ने वाहिगुरु जी ये तुसी ने तू दो काम कर लै कि सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी। मैं रात कहा सी इहदा पाठ जुआरी नहीं करना, तो इहदा पाठ औंकड़ ला के जुहारी भी नहीं करना। खोड़ा लगे तिस जोहारी उसनू टेक मत्था, उनू नमस्कार कर। स्वस्थ तिस स्वस्थता अर्थ जय जयकार कर, उहदा मंगल गा, उहदी सिफत कर। महाराज कहिंदे ने प्यारिया इस करके तैनूं कह रहा तिस दीवान अभग, दीवान का अर्थ है दरबार। बाकी जिन्ने भी किसी नूं कोई दे रहे ने, मैं रात अर्ज की सी हर देण वाला एक दिन खत्म हो जाएगा, पर वाहिगुरू का दरबार ऐसा है प्यारे उहदे घर च कदी तोटा नहीं आना। फिर उहनूं मत्था टेक जिहदे भंडारे विच कदी घाटा ही नहीं पैंदा। अभग दा अर्थ जिन्हें खत्म नहीं होना, दीवान दा अर्थ दरबार। हुण अगली गल जिहड़ी चली मेरे मन च आया भी इह सबजैक्ट तां चल रिहा सी पुरखां बिरथां तीर्थां तट्टां मेघां खेतां, इह सबजैक्ट तां चल रिहा भी जिन करता करना किया चिंता भी करनी तां, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान इभग अभग। अगे महाराज कहन लगे नानक सच्चे नाम बिन आ सबजैक्ट, क्योंकि ये तुक अगले श्लोक नाल जोड़ दी व्याख्या। नानक धन गुरु नानक साहब जी सच्चे नाम बिन, एक वाहगुरु जी दे नाम तो बिना, सच्चे दी बंदगी तो बिना। महाराज कहन लगे क्या टिक्का आ जिहड़े तू छाप ला रहे हैं, तू अपने चेहरे ते टिक्के लाए ने, मत्थे ते ठप्पे ला रहा है। महाराज कहिंदे ने क्या टिक्का क्या तग जिहड़ा तू अपने गल विच ञञू पाया होया, जनेऊ पाया है। सच्चे नाम तो बिना ना तेनू टिक्के ने बचाणा है ना धागे ने बचाणा है। सच एवे कि सच्चा नाम ही है जिहड़ा तेनू बचा सकदा। इत्थे मैं जरूर रोक के अर्ज करनी चाहना, देखो इत्थे लफ्ज़ आया एक टिक्का ते दूसरा आ धागा। सनातन धर्म दे ये चिन्ह ने जी, तिलक
ते दूसरा जन्यू। पर ये मैं कल भी अर्ज की सी कि जो ऐसे शब्द होन इन्हां दे अर्थ किसे एक फिरके वास्ते प्लीज़ कदी ना करियो। जो गुरु उपदेश देंदा उहदा उपदेश समुची मानवता वास्ते है। हुण धागा पा लिया, मत्थे ते तिलक ला लिया, वैष्णवां दे वख वख ठप्पे हुंदे ने, मुद्रा हुंदियां, वख वख तिलक ने उहनां दे, बाहां ते तिलक, पेट ते तिलक, पर धागा भी पाया तिलक भी ला लए। पर सतगुरु कहते हैं जे सच्चा नाम ही अंदर नहीं तो फिर धागा ते तिलक तेनू बचा सकेगा। पहली बेनती दास करनी चाहेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच यह है, बड़ा औखा सुनना, गुरु ग्रंथ साहिब विच बाहर दे धर्म दे चिन्हां नू किते भी स्वीकारिया नहीं, सारे गुरु ग्रंथ साहिब च ये सच्चाई जे, क्योंकि असीं यह गल करन तो डरने हाँ। उहदे कई कारण ने, क्योंकि असी भी संप्रदायिक हो चुके हाँ। सिख नूं संप्रदायिक कह दिओ गुस्से गुस्सा करांगे, साडी कट्टड़ता जे अंदरों धर्म गवाच गया। यह नहीं कि बीज नासनी, अज भी परमात्मा दे तरस वाले ने, ते सच एवे कि जदों बाहर दा इमोशनल गुणा बाहर दियां सिर्फ गल्लां रह जाण ते अंदर वाले धर्म दे चिन्हां दे अर्थ समझे ही ना बंदा, ते फ्यारियो फिर उस चिन्हां दे उत्ते लोग तर करदे आ इह की पाण दा फायदा जे तेरा जीवन ही नहीं दा। इह कल्ला हिंदू लई नहीं कहा, गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करोगे उंज वैसे चिन्ह माड़े नहीं हुंदे। इह ना समझो मैं दो गल्लां कर रहा, क्योंकि दुनिया की कोई चीज़ जिहड़ी है उह चिन्हां तों बिना चल नहीं सकती। मैनूं याद है डॉक्टर भाई जोध सिंह, उहनां दी इक पुस्तक सी गुरमत निर्णय, उहदे विच उहनां बड़ी सोहणी गल कही सी। उह कहिंदे ने कई वारी बंदा उतावला हो के कह दिंदा चिन्ह दी कोई लोड़ नहीं। वह कहिंदे सन चिन्ह दे अर्थ ना समझे जाण ते सच्ची मुची कोई लोड़ नहीं। जदों चिन्ह दे अर्थां दी समझ पै जाए ते सचमुच चिन्ह भी बंदे नूं सही मार्ग ते लई जांदे। उहनां ने इक उदाहरण दित्ती सी, कहिंदे जिहड़े लोग कहिंदे चिन्हां दा कोई भी थां नहीं संसार च, वह कहिंदे सन संसार चिन्हां तों बिना चल ही नहीं सकदा। प्रतीक जिहड़े ने, चिन्ह जिहड़े ने, यह मैं थोड़ी जिहा उदाहरण आप जी नूं दे दिंदा। वह कहिंदे सन किसे बंदे दे मन विच ख्याल आया, वह अपने ख्याल नूं दूजे तक पहुँचाना चाहता है, पर उहदे दो ही तरीके ने, जां अपनी जबान तो बोल के लफ्ज़ां रही कहेगा ते जां उन्हां लफ्ज़ां नूं निशानियां दे रूप विच कागज़ उत्ते लिख देगा। फिर सुनो, अंदर दे ख्याल ने, पर अंदर दे ख्यालां नूं लिखण ते बोलण तो बिना प्रगट नहीं किया जा सकता। आ 35 साडी गुरमुख दी गुरमुखी दी है तां साडे अंदर दी साउंड ही ना, पर उहनां नूं भी चिन्ह दित्ते गए ने जिन्हों असी कक्का खक्का गग्गा घग्गा कह रहे हाँ, तो जे उर्दू विच आपां पढ़ने उत्ते काफ ते खाफ कहा जा रहा, उत्ते खे लफ्ज़ वरत्या जा रहा, ए बी सी आपां पढ़ने वह भी तां साउंड ही है ना अंदर दी। अंदर दे भाव नूं प्रगट करन लई बंदे ने लिपी नूं जन्म दिता। उहदे विच भावें अंग्रेजी दे कह लीए, आ साडी गुरमुखी लिपी कह लीए, देवनागरी कह लीए, पर साडे अंदर दे ख्यालां नूं अक्खरां दी निशानी ने दुनिया तक अगे तोरिया। ये निशान जुगां तों चले आ रहे ने। मन लो किसे बंदे दे अंदर राग दे वलवला पैदा होया, हुण चुप करके बैठा रहे ते किसे दूजे बंदे नूं प्रभावित करेगा? जे अंदर संगीत पैदा होया है उहदे गले विच्चों सुर दा जन्म होवेगा। जिन्नी देर तक वह साउंड दृष्टमान नहीं हुंदी, किसी के कन्नां तक पहुँचती नहीं प्यारे, उन्नी देर तक असर नहीं करती। उहनूं भी तां राग नूं भी तां चिन्ह दे दिते गए भी इहदा सुर आ तीवर है, आ सुर जिहड़ा है ये मध्यम है। मैं एक बेनती करांगा कि गाउण वाला भी चिन्हां राहीं प्रगट कर रहा है, लिखण वाला भी चिन्हां राहीं प्रगट कर रहा है। इत्थे बस नहीं कि इत्थों तक अज आपां सड़क ते चलने, सामने मान लो एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड दे उपर लिखिया कुछ नहीं, सिर्फ एक बच्चे दे गल दे विच बस्ता पाया ते उहदी चेहरा भी साफ नहीं, एक छाप जी लाई, एक पैर अगे एक पिछे, बस एक गल पक्की जिन्हें गड्डी चलानी है उहनूं चिन्ह समझाए जांदे ने। इहदा मतलब इह वे कि जिथे तू जा रहा इहदे नेड़े स्कूल है, गड्डी ध्यान नाल चलाई, चिन्ह ही है ना। मेरी बेनती है चिन्हां तो बिना संसार नहीं चल सकेगा।
चिन्ह संसार नूं चला रहे ने। अज जो कुछ भी तुसी देखते हो नैविगेशन भी जिन्हों कहने पे, ईवन के इतों तक के शिप चलन वाले समुद्री जहाज ते हवा विच उड़न वाले हवाई जहाज ये भी प्यारे ताई मंजिल ते पहुँचते ने जे स्क्रीन दे उत्ते चिन्ह चलता हुंदा है। जे कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाए असी कहने असी चिन्ह नहीं मानते, वह गवाच जाता है हवा च, क्योंकि उन्हां चिन्हां दे कोई अर्थ ने। पर दुनियावी चिन्ह सार्थकता ने, क्योंकि बंदा उन्हां चिन्हां नूं सचमुच मन रहा है। पर धर्म के नाँ ते चिन्ह निरार्थक तां हो जांदे ने, क्योंकि जो कुछ बंदा पांदा पिया उन्हां नूं अंदरी भी तौर पर मनदा नहीं। फिर तां ही लोग कहिंदे ने जो बाबा जी ने कह दिता कि नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। आओ मैं थोड़ा जिहा बाणी चों बेनती करनी चाहना, क्यों कह दिते लफ्ज़ सच्चे नाम तो बिना किवें। हुण ये बाबा जी की गल नूं अज जे असी अपने च टुका के देखिए, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग, ते महाराज सानू भी देख के देखो, मैं लफ्ज़ कहन तो संकोचदा नहीं, आपां भी ककार पाई बैठे हैं। जे सिमरन कोई नहीं की फायदा साडा, जे बंदगी नहीं साडे कोल रहत कोई नहीं की फायदा साडा। आओ मैं तुहानू दो तीन प्रमाण देने चाहना। एक तो गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन कह खिंदू कह कर खिंदू आवै, ये क्यों कह दिता क्या टिक्का क्या तग। हिंदू कह कर हिंदू आवै दा मतलब कि सनातनी वीर दे घर विच उहदा पुरोहित पंडित हिंदू आया, बच्चे नूं जनेऊ पाउण दा वेला आ गया, सूत जनेऊ पड़गल पावै, उन्हें मंत्र पढ़ के उस सूत्र दा धागा उहदे वर्ण मुताबक, क्योंकि धागा भी कहरा दोहरा ते तीरा है ना जी, वर्ण मुताबक। फिर मैं अर्ज करा धागा जिहड़ा है वह वर्ण आश्रम की निशानी है, तो टिक्का जिहड़ा है वह वैष्णव मत की निशानी याद आ है। पर बाबा जी कहते हैं इन दोनों चीज़ों का सीधा रब नाल की संबंध, सीधा तो रब नाल संबंध केवल परमात्मा के नाम का है, सिमरन का है। हिंदू कहकर हिंदू आवै, सूत जनेऊ पड़गल पावै, उन्हें धागा गल विच पा दिता। अगे महाराज कहते सूत पाए करे बुरियाई, धागा पा दिता, पर वह धागा पा के बंदा माड़े कर्म कर रहे, वह बुरे कर्म कर रहे। सूत पाए करे बुरियाई, तो बाबा जी कहते नाता धोता थाए ना पाई। हुण इहनू कल्ला हिंदू वीर लई ना वरतीए, मैं कई बार कहना हुन्ना सानू अमृत छकान लग्या रहत दित्ती जांदी, ते गुरु साहब देखो रहतनामिआं च कहिंदे ने, कहिंदे ने मैं तेरी बॉडी नूं प्यार नहीं करदा, मैं तेरे बाहर दे कपड़िआं नूं प्यार नहीं करदा, मैं तेरे ककार नूं भी तां प्यार करना जे तेरे अंदर रहत है, ते जे तेरे अंदर रहत नहीं ते चेते रखी मैनू तू बिल्कुल चंगा नहीं लगना। मैं रहत करके मुहब्बत करना, मैं स्ट्रक्चर करके तेनूं प्यार नहीं करदा। असी सारे पढ़ने हैं कि रहत बिना न सिख कहावै, रहत बिना दर चोटा खावै, रहत बिना सुख कबू ना लेख है। इहदे विच ही महाराज कहिंदे रहत प्यारी मुझ को सिख प्यारा ना है। हुण नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग दसवां पातशाह दे अर्थ नहीं कर रहा, हालां मैं जे चाहां तो इहदे ते प्रमाण दे ही जावां, पर मेरी इच्छा है कि मेरा गुरु कदी द्वेष च नहीं बोलता, मेरा गुरु किसी नूं ईरखा वस हो के टारगेट बना के नहीं ठोकर मारदा। मेरा गुरु जदों बोलता पूरी मानवता लई बोलता, तो प्यारियो जिहड़ा दायरे वास्ते बोलता वह सर्वव्यापी नूं जान भी नहीं सकता। मेरा परमात्मा सतगुरु वह कह रहे ने कि रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। हालांकि पाठ पे दे कई थावां ते आउंदा ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा, चेहरा दर ते चेला, एडी वड्डी गल कह दित्ती। हुण फिर बेनती अगली, मैं हालांकि थोड़ा जिहा निकलिया इहदे विच्चों, क्योंकि अपनी भी गल असी कर सकीए, दूजे की गल करनी बड़ी सौखी, क्योंकि उहदे विच जदों असी किसी खास कम्यूनिटी लई बोल रहे हां सानू पता सुनन वाले बड़े खुश होणगे भी कमाल कर दित्ती बहुत सच अज किया, पर जिहड़ा दूजे घर विच सच हो मेरे घर विच भी सच होना चाहीदा है, जिहड़ा दूजे वास्ते कह रहे हो मेरे परिवार विच भी होना चाहीदा। हजूर सच्चे पातशाह जी दे ये बोल ने, प्रथम रहत जे जान खंडे की पौल शकै, सोई सिंह प्रवधान अवरना पौल जो लैख है। सब तो पहली रहत तेरी ए वे तू खंडे बाटे दी पौल शक, अमृत छकना जिन्हों कहने,
प्रथम रहत जे जान खंडे की पौल चकै सोई सिंह प्रदान अवरना पौल जो लैख है पांच सिंह जो अमृत देवें ताको सिर तर छक पुन लेवै उनु सत बचन कह के शक लै पुन मिल पांचो रहत जो पाखें अमृत शिकान तो बाद पंजे प्यारे जेड़ी रहत दसन ताको दृढ़ कर मन में राख उनु मन विच दृढ़ कर जे मैं रहत ता रख रही नहीं चिन्ह मेरे कुल खै खुश बड़ा मैं अज गुरमुखो सच्ची गल बहुत सारे ऐसे मिलते ने कई बार कई सज्जन गुस्सा भी कर जाते हैं बार अज ककार भी इस तरह मैनू लगन लग पे जिमें मॉडलिंग वाले लोग अपना विखावा करते सच ये बच्चे चंगी गल है इस पासे तुरन पर उन्होंने रहत का पता कोई नहीं इन्हें आ पाया मैं भी पाना इन्हें आ कुछ किया मैं भी करना हालांकि ये पता ही नहीं कि जेड़े चिन्ह गुरु ने दिते इन्हां दे अंतरीव अर्थ की सन गुरदेव की कोई दिती कोई चीज़ उहदे अंतरीव अर्थ ने एवें नहीं खैर मैं एक कदी प्रकरण मिलिया तां कड़े दे कोई अर्थ ने कशहरे दे कोई अर्थ ने गात्रे पाई कोई कृपाण दे कोई अर्थ ने कंघे ते केस दे कोई अर्थ ने एक केवल बार दे फोके झूठे चिन्ह नहीं पावां क्या जांदा अज तां आइटम बम बन गया ते गात्रे कृपाना पाई बैठे ने मैं फिर बेनती करांगा जिन्नी मर्जी तरक्की कर लो अखीर ते जदों सब कुछ फेल हुंदा उदों हथ दा शस्त्र ही काम आउंदा हुंदा है बंदूक दी गोली ना चले पिस्तौल लई फिरो जे गोली चलेगी नहीं वो किसी दे सिर च पत्थर दी तरह मारना फिर भी हथ दा शस्त्र ही काम आउंदा हुंदा है खैर मैं जिहड़ी बेनती कर लगा कि जदों चिन्हां दे पिछे धर्म गवाच जाए अर्थ गवाच जाण उदों लोक मजाक भी उड़ान लग पैंदे ने मेरे सतगुरु ने गल सानू समझाई भी ज्ञानी ज्ञान सिंह हुणां ने गुरु कीआं साखियां विच भी इतिहास विच जिक्र है धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा दरबार सजिया ते कुछ सज्जन श्री आनंदपुर साहिब दे नज़दीक दे आए उन्हां मैं सिर्फ इस तुक ते बोल रहा कि नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग कहन लगे महाराज कृपा करो आप शस्त्रधारी हो सिंह तुहाडे शस्त्रधारी ने पर साडे खेतां दे विच शेर पैण लग पिया महाराज जी सुनिया कहिंदे ने महाराज डरे साडे पशुआं नूं किते खाए ना किते साडे माल डंगर साडे परिवारां दा नुकसान ना कर जाए महाराज बोले नहीं चुप रहे मुस्कुराते रहे मन च आया अगे शेर की गल सुनिया गुरदेवे खिन लाते सन पर अज तो शेर की गल सुन के कुछ हरकत भी नहीं की दूजे दिन फिर आ गए कहन लगे महाराज की करिए वो शेर साड़ी फसल तबाह करी जा रहा महाराज मुस्कुरा लग पे इन्नी कुछ समझ नहीं रहा भी शेर फसल नहीं तबाह करते होंगे शेर तो शिकार खेडते होंगे समझ नहीं पै रही डरदा सारा इलाका डरन लग पिया खोया की जी वो शेर असल च खै शेर नहीं सी भाई उदय सिंह शेर का शिकार करके आए सन तो शेर की खल ला ली तो महाराज जी ने उस सिंह नूं कहा भी एक काम करी खालसा सिरज दिता है इस शेर की खल नूं खोते दे उत्ते मर दिओ चंगी तरह किसी दूजे नूं पता नहीं लगना चाहिए उन्होंने इस तरीके किया जी शेर की खल खोते दे उत्ते चंगी तरह फिट कर दिती हुण है वह खोता खसलत तां उहदी ओह वे बाहरों चिन्ह शेर दे ने पर बिरती दा खोते वाली है वह अपने उत्ते शेर की खल का उन्हें एहसास ही नहीं वह जाए कि उन्होंने मौज लग गई भी अगे जाता सन खेतां लोग डंडे मारते सन हुण तां दूर भजदे ने कदी पट्ठे चरे किते कुछ खाए कदी कुछ खाए हुण वेखण वाले मुरख टोले नूं पता ना लगे भी शेर कदी पट्ठे थोड़ा चरदा हुंदा है पर डरावा ही सी ना खल सी दूरों दसदा भी शेर आ गया बस खल देख के लोग डरी जाण वो पट्ठे चरी जाए कदी कुछ करे महाराज मुस्कुराते रहे एक दिन की होया कि वही खोता कुमारां दे घर नेड़े आ गया जिहदे उत्ते शेर की खल सी जदों वो खोता आया तो कुमार ने बारी खोल के देखा उन्हें कहा भी शेर मेरे घर आ गया वो डर गया उन्हें फटाफट बारी बंद चा की मर गए सी तो इन्नी देर में वो खोते खिणके तो जिदे उत्ते खल पाई सी वो भी बेचारा कई दिन का चुप करके बैठा सी साथी नहीं सन मिले
एक खोता हिणकिया, उन्हें भी अगों जवाब दे दिता। घमार ने डंडे मारे, उन्हें कहा तो अपना खोता जिहड़ा गवाचा सी तो लभ गया। ये उत्ते शेर की खल किसी ने पाई हुई सी। वह महाराज जी दे सिंघां नूं पता लगा जी, उन्हां शेर की खल लाह दी, मोढ़े ते रखी खल, हसदे तुरे आउण ते कहिंदे ने सारे लोग इलाके दे महाराज ये कौतक तुसी कीता। महाराज जी ने कहा बिल्कुल असी कीता, ध्यान नाल सुनियो, असी कीता महाराज। क्यों? कहन लगे इहदी खसलत गधे वाली हुई सी, पर शेर की खल पा के शेर नहीं कोई बन सकता। इन्हें पट्ठे खाने नहीं छड़े, इनू शिकार खेडन की जाच केड़ी आ गई खल पा के, शेर की खल पा के। अगली गल, एक खल शेर की पाई बैठा सी ते लेटदा खोतियां की तरह ही सी। शेर कभी मिट्टी च लेटदा देखे? अगली गल कहन लगे, जदों इहदी बरादरी बोली उस तरह ये बोलन लग पिया, कहिंदे देखो खालसा जी, मैं तुहानू सिंघ बनाया है ते जे तुहानू बाहरों बाणा दिता है ते अंदर भी सिंघां वाला करदार दिता है, जे बाहर खल पा के अंदर खोतियां वाले काम करदे रहे ते इस तरह तुहानू भी चोटां पैंदियां रहणगियां। बाहर दा लिबास होवे ते अंदर बंदे दे उहदे अर्थी गवाहों, शेर की खल पा के खोता की करूगा? नहीं नहीं, उहदा सुभा नहीं गया। इहदे अंतरी वर्थ ने गुरु ने सिंघ बनाया। तो मैं एक दिन अर्ज की सी, सरदार कपूर सिंह हुणा ने बड़ी सोहनी एक जगह लिखिया सी, सिंघ की सिख सिंघ ते खालसा। वो बड़ी सोहनी गल कहिंदे सन, कहिंदे सन शेर जदों गार चो निकलदा है पहला अपना शरीर छंडदा है, सिंघ दे गुण ने शरीर छंडदा है, फिर तीन चार वारी उच्ची उच्ची गरजदा है, उहदे गरजन की आवाज़ आउंदी, उस तो बाद शिकार नूं निकलदा। कहिंदे ने सिंघ कदी भी, शेर कदी भी बुजदिली वाला वार नहीं करदा। कहन लगे सचमुच खालसा जदों निकलदा वह पहला नगारे ते चोट मारदा है, ते इस गल दा प्रतीक है कि सिंघ हुण गिरजन लगा है, यह गरज रहा है। उस तो बाद जदों तुरदा है वह कहिंदे ने उच्ची उच्ची जकारे छड़दा है। इहदा मतलब इह कि कोई मजलूम, कोई गरीब गुरबा कितने सामने ना आ जाए, अपने आप नूं सेव समझे। पर कहन लगे उस तो बाद फिर वंगार के सिंघ लड़दा, सिंघ दे शेर दे गुण ने। अगली गल मैं कहा, शेर दा एक गुण होर भी है, मैं शायद प्रकरण चो थोड़ा जा निकल गया, मैं बख्श दियो, क्योंकि नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग, कला विखावा धर्म दे चिन्ह सिमरन तो बिना कीजे। मैं बेनती करांगा सादे कपड़े पालो, गुरु दे दित्ते ककार धारण करो, पर गुरु गुरु इन्ना कु जपो कि तुहाडे सीने विच गुरु गोबिंद सिंह दा निवास हो जाए। गुरु गोबिंद सिंह सिख दे अंदर वरते। मैं थोड़ा जिहा तां इस गल्लों कहां क्योंकि मैं चाहते इहदी व्याख्या करी जांगे धागे ते बोली जाई, पर मेरी इच्छा है आपां क्यों नहीं इस गल नूं लै रहे। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्हां ने गल होर की, कहन लगे सिंघ दा इक चिन्ह होर है, कुत्ते नूं सोटी मारो ते कुत्ता सोटी नूं मूंह च पांदा है, कुत्ते नूं वट्टा मारो ते कुत्ता पत्थर नूं मूंह च पांदा है, शेर नूं सोटी मार के देखो सोटी वाल नहीं देखदा, वो सोटी मारन वाले वाल देखदा है। वट्टा कित्थों आया? वो गोली मारन वाले नूं झपटदा है, गोली नहीं देखदा मैनूं कित्थे लग गई, किन्ने छड्डो मारी किन्ने। कहिंदे ने सिंघ दी निशानी ए वे कि जिवें शेर जिथों चीज़ आ रही है चीज़ नूं नहीं देखता, चीज़ भेजन वाले नूं देखता है, सिंघ ओ वे जिहड़ा दात नूं नहीं देखता, दात देण वाले नूं देखता है, सिंघ दी निशानी है। पर फिर मैं अपने प्रकरण च आवां, बाबा जी कहिंदे नानक सच्चे नाम बिण क्या टिक्का क्या तग, हिंदू कह कर हिंदू आवै सूत जनेऊ पढ़ गल पावै, धागा भी पा लिया सूत पाए करे बुरियाई, नाता धोता थाए ना पाए, इशनान कर लग्या धागे नूं भी कन्न नाल लपेट लिया, शरीर किरिया सोधन लग्या धागे नूं सुची थां ते रखिया, मल मूत्र कर लग्या भी, पर रात नूं धागा पा के दारू गटागट पी के उदों धागा कित्थे गया। इस तरह जी बाबा जी ने कहा कि जदों तू किसी की जेब कतरी, हक किसी का खोया, उदे तेरे सामने धागा नहीं आया। जदों इन्हां भैड़ियां अखां ने दुनिया नूं गंदे रूप च देखिया, गंदे रूप च देखिया, मैं क्या गंदा रूप दुनिया का नहीं,
तो बाबा जी ने कहा उदो की होया, उदो तेरिया अखां ते धागा नहीं पिया, जदो तेरी जबान रज के निंदिया कर दीए वो सज्जना उदो तेरी जबान नाल धागा क्यों ना बजा कि रुक जाती, तेरे कन निंदिया सुनते ने यह चिन्ह का तां फायदा सी कन्ना नू धागा पा लैंदा, ते पैर बंदे रस्ते ते तरदे ने कि पैरां नू धागे नाल बन लैंदा, जे बाहरों धागा पाई बैठा है इंद्रियां तेरियां गंध विच परवृत ने, ते नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका कहता। इहनू बाबा जी ने बाणी च कहा कि तग ना इंद्री, हालांकि अगे आउणे ने इहदे अर्थ, तग ना इंद्री तग ना नारी, भलके थुक पवै ने दाड़ी, तग ना पैरी तग ना हथी, तग ना जेवा तग ना अखी, वे तगा आपे वतै वट धागे अवरा कतै, लै पहाड़ करे व्याह कड़ कागल दसै राह, सुन वेखो लोका एओ विडान मन अंधा नाओ सुजान, नानक सच्चे नाम बिन मन अंधा नाओ सुजान। कला यही नहीं, कबीर साहब का एक अमृत बोल है जी, गज साढ़े तै तै धोतियां, जिहड़ा सच नू पहुँच जांदा है उहदे सामने कोई चीज़ परपंच वाली आएगी वह बर्दाश्त नहीं करेगा, तेरे तेरे साढ़े तेरे तीन गज दियां धोतियां बनाईया, तेरे धागे भी पाए, गल विच माला भी लम्मियां पाईयां, गज साढ़े तै तै धोतियां, तेरे पायन तग गली जिन्ना जप मालियां, माला गल च पा ली लिशक देखो लोटे। हुण ये ना समझो भी भाई साहब किसी निंदियाल पै गए, मैं कई बार सोचना जदों इहो जिहे अगे शब्द आउणगे ना, क्योंकि ना सोचियो इत्थे निंदिया वाला पाख आ गया, नहीं याद रखियो इस समर्थ गुरु का शुक्र करियो कि जिहड़ा भुल्लिया जांदिया नूं राह पिया दसदा है, कहिंदा पिया तू लुटिया जाएगा, धर्म के नाँ ते सब कुछ पाए सच्ची मुची धर्मी बन जा, धर्म के नाँ थले कोई कर्म ना कमा। बाबा जी बचन कर रहे ने, कबीर साहब कहिंदे ने गज साढ़े तै तै धोतियां, तेरे पायन तग गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हथ निभग ओए खर के संतना आखियां बाह नारस के ठग, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक। एक होर बेनती करदे आं, कला हिंदू नहीं कला सिख ही नहीं, तुसीं जदों पाठ करदे हो गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबे फरीद नूं जदों पढ़ने आ, उन्हें इस्लामिक चिन्हां दी गल कीती बड़ी जुरत नाल कीती, मुसलमान अपने समान दे नाल मुसल्ला जरूर रखदा, जिथे बैठ के उन्हें पांच वक्त नमाज पढ़नी, उहदे कोल जे फकीर है उहदे कोल सूब भी है। मैं तो कई बार सोचना कि वाहगुरु जी ये की खेड वापरी, धर्म कित्थे, अरब विच देखने आ बंदे कट्टे जा रहे हो, सब कुछ नैट ते पिया, एक बंदे नू इस तरह कट्टदे पए ने क्योंकि न्याणे दस दे, एक दिन मैनूं दिखाया सच्ची मेरा अंदर खिल गया सारी रात कि रब्बा ये धर्म है, एक कट रहा है जिहड़ा कट रहा वह बोल रहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो जिहड़ा कटींदा पिया वह भी कहिंदा पिया अल्लाह अकबर, धर्म कित्थे फिर, कट्टण वाला अल्लाह अकबर प्रवान है कि कटीन वाला अल्लाह अकबर प्रवान है, ये सोचना पेगा इस मनुख नूं कि धर्म की चीज़ है। गुरमुखो धर्म के असली चिन्ह गवा चुके ने। बाबे फरीद जैसा दरवेश कहिंदा कन मुसल्ला सूब गल, जे गुरु साहब कह रहे हैं क्या टिक्का क्या तग, तो बाबा फरीद कहिंदा जे अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं अंदर रूहानियत नहीं तो तू इस तरह कि जिस कमरे के बाहर तो सचमुच लड़ियाँ ला के डेकोरेशन करके जगमगाट की होवे, बूहा खोल के अंदर जाए तो घोपा नेरा होवे, तू तो उस कमरे की तरह जिहड़ा बाहरों चानण मारदा अंदरों हनेरे विच डुबा होया। उन्होंने भी सच्चाई कही कि कन मुसल्ला सूब गल दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना दिल अंधारी, रात नाम तो बिना। प्यारियो चिन्ह मैं कहना माड़े नहीं, चिन्ह चंगे ने जिन्हां नूं कोई जिंदगी च अपना लै। जे हुण हथ पाया सी कड़ा, मैं उस दिन कहा सी ये चलदा सज्जे हथ नाल, मैं सिख राजनेता की गल नहीं करांगा क्योंकि उन्होंने दोनों हाथ ही ने, एक पासे मौली भी बनी हुंदी है एक पासे भी पाया हुंदा, कहिंदा कोई गल नहीं मैं जो रिश्वत लैनी है ये हाथ अगे कर लाँगा, तो अपने अपने अर्थ ने ना फिर बेनती। पर गुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज वो कहिंदे नहीं, नाम तो बिना सिमरन होवे, तो मेरा ख्याल बाहर दे तिलकां दी लोड़ ही नहीं पैंदी, मत्था उंजी चमकन लग पैंदा है। सिमरन होवे
बाहर दे चिन्ह की की लोड़, आत्मा विचू चिन्ह प्रगट होने शुरू हो जाते। मैनू याद है साढ़े पंजाबी दे महान कवि धनी राम जी चात्रिक, जिन्हां नू अज भी पढ़िया जाता चात्रिक जी नू। ते एक बार दास ने अर्ज की सी कि धनी राम चात्रिक ने भी तो कविता की शू भाई वीर सिंह उन्हां तों लगी ना, पंजाबी की समझ भाई साहब तो पई जी उन्हां नूं। बड़े महान कवि ने चात्रिक जी। जदन इन्हां नूं अभिनंदन ग्रंथ मिलिया धनी राम चात्रिक जी नूं, भावें विशा नहीं कथा दा हैगा पर मैं थोड़ी जी बेनती करनी चाहना। तो उन्होंने बारे भाई वीर सिंह जी ने पूछा गया भी चात्रिक जी नूं धनी राम जी नूं अभिनंदन ग्रंथ भेट करना है, इस बारे तुहाडे की ख्याल ने? तो भाई साहब ने ना जी दो तुकां कविता लिख के भेज दित्तियां। वो सन धनी बने धन जोड़िया, आराम बने मन जोड़, क्योंकि उहदा नाम धनी राम है ना। कहिंदे धनी वो बनता जिहड़ा धन नूं जोड़दा है, तो राम वह बनता है जिहड़ा मन नूं जोड़दा है। तू धनी राम है ना, तैनूं दोवें चीज़ां मिल जाणगियां। धनी बने धन जोड़िया, आराम बने मन जोड़, धनी राम बन जाओगे इत उत जिस की लोड़। तू धनी राम बन जाएगा, धन नाल ए लोक सौर जाएगा ते राम नाल अगा सौर जाएगा, क्योंकि भाई साहब की कोई रचना सिमरन तो बिना नहीं, भगती तो बिना नहीं। क्योंकि मैं बहुत उन्होंने ये नहीं कि मैं होर नहीं पढ़ता, मैनू पता नहीं उन्हां दी लिखत विच्चों बहुत कुछ मिलता है। मन किते अक्या होवे कंबिया होवे दो पेज पढ़ लो अंदर टिक जाता है। बेनती करांगा, धनी राम चात्रिक जी ने एक गल लिखी सी, बार मुखी चिन्हां दे नां थले पाप करन वालियां लई कहा सी कि ना कोई ठाकुर ते ना कोई पूजक, सब रोटी दे उपराले। पंजाबी दियां सत्रां ने, मैं सिर्फ ये नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तक। ना कोई ठाकुर ते ना कोई पूजक, सब रोटी दे अपराले, चिट्टियां पग्गां ते दोहरे टिक्के, अंदरों हिरदे काले, हाथ विच माला ते मूंह विच मंत्र, कछ विच तेज कटारी, ऐसे ठग्गां नालों चंगे खीसे कतरन वाले। कहिंदा तुहाडे नालों तां बसां च खलोते जेबां कट्टण वाले चंगे ने, तुसीं तां रब दे नां ते इन्ना कुछ करदे। ना कोई ठाकुर ते ना कोई पूजक, सब रोटी दे अपराले, चिट्टियां पग्गां ते दोहरे टिक्के, अंदरों खिरदे काले, हाथ विच माला ते मूंह विच मंत्र, कश विच तेज कटारी, ऐसे ठग्गां नालों चंगे खीसे कतरन वाले। गुरु नानक साहब सच कह रहे ने, कहिंदे ने ओ भाई मैं तेरा विरोधी नहीं, मैं चाहना जे तू धर्म के नाँ ते चिन्ह पा ले ने, तू सच्ची मुची धर्मी बन। मेरा सतगुरु तो इथों तक जिस दुश्मन की बिरती नाल दुश्मनी नाल गुरु के पुत्र को के शहीद किते, गुरु तो उन्होंने भी सफरनामा लिखद्या कहिंदा है कि सच्ची मुची तू मुहम्मद साहब का उपाशक बन जा, बेईमाना कुरान की सहु चुक के झूठ नहीं बोली दा हुंदा, तेरा अग्गा दोजक विच सड़ जाए। देखो असी पढ़ने ना इमां प्रस्ती ना ओजाए दी, तेरे कोल नमाजा ने पर तेरे कोल मुहम्मद साहब नहीं, तेरे कोल रोजे ने पर तेरे कोल अल्लाह नहीं, तेरे कोल सुन्नत कह तेरे कोल कुरान दियां आयतां ने पर तेरे कोल रब नहीं। ना इमां प्रस्ती ना ओजाए दी, ना साहब शनासी ना मुहम्मद यकीन। मैं फिर बेनती करांगा, चिन्ह दे कोई अर्थ होने चाहिए ने। सीधी गल नूं समझ लो, एक डॉक्टर की दुकान ते चलो पहला तो रेड क्रॉस ही हुण हरे लाण लग पे, पर वो चिन्ह नूं देख के बोर्ड लगा होवे ना ते आपां कहिंदे आ डॉक्टर साहब की दुकान आ गई, चिन्ह है ना। ते उत्ते फट्टा लगा होवे डॉक्टर दा ते विच बैठा होवे बोतल शराब की रख के ठेका खोलिया होवे, आपां कहांगे भी ये तो मारन वाला, तां उत्ते फट्टा किहड़ा ते अंदर कौन बैठा है। सीधी जी गल जी, जिहड़ा दुकान ते फट्टा लगा अंदर समान भी वह चाहीदा, जे बजाजी का फट्टा लाया तो कपड़े होने चाहिए ने, जे करियाने का फट्टा लगा बोर्ड लगा तो करियाना ही होना चाहिए, तो जे दुकान विच फट्टा कुछ लाए तो दुकान विच कुछ रखे तो लोग कहिंदे ते केस करो, तो जिहड़ा बंदा बाहर धर्म के चिन्ह पाए तो अंदर रज के बेईमानी करे उहदे ते केस नहीं होगा। मेरी बेनती है बाबा जी, कहिंदे ने
तिस जोहारी त्व स्वस्थ तिस तिस दीवान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग। हुण अगे फिर गल चली, महाराज कहिंदे ने लोक सच की व्याख्या अपनी कर रहे हैं। अगला श्लोक ध्यान नाल पढ़ियो। मैं तां बेनती कर रहा क्योंकि तुसी पाठ समझन वाले हो। इत्थे आ गया नानक सच्चे नाम बिन, अगले श्लोक च आवेगा कि नानक मत्ती मिथ्या कर्म सच्चा निशान, फिर सच्चा आ जाएगा। तो जो यदि पौड़ी आएगी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया, याद रखो इस सबजैक्ट सच का चलता पे। हुण कुछ बंदे अपने आप नूं प्रसन्न कर ली वह धर्म के कर्म करते, पर इहनूं सुन के ये वंचलित ना कोई हो भी आपां नूं करने नहीं चाहिए। ये बाबा जी कहिंदे बख्शिश। हुण अगला श्लोक शुरू हुंदा है, महाराज जी का महला पहला, लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना परवान। पर इस श्लोक के अर्थ पहलियां तुकां दे तां समझ पैणगे जे इस तुक नूं समझांगे। नानक मत्ती मिथ्या कर्म सच्चा निशान, इहदे अर्थ मैं पहलां कर देना। जिहड़े तू कर्म अपनी मत मुताबक कर रहे हैं, देखो मत्ती मिथ्या क्या, गुरु मिथ्या नहीं क्या। मान लो मैं जिन्ने कर्म कर रहा खौमे अधीन कर रहा कि मैं जी इन्ना खूनदान ला दिता मेरे को लिस्ट, जे मैं इन्या दे व्याह कर दिते मेरे च लिस्ट, मेरे को लिस्ट है। मेरा बाबा कहिंदा मैनूं दस कि इन्हां नाल तू रब दे घर च थां लै जाएगा, क्योंकि तेरे जिन्ने कर्म ने खौमे वाली मत विचों निकले ने। कर्म सच्चा निशान, जिदन ओदी बख्शिश होगी सच्चा निशान तेरे मत्थे ते पै जाएगा, रब दी दरगाह विच वी तेरे तो लेखा कोई नहीं पुछेगा। इहदे अर्थ कर्म सच्चा निशान तो चुकने पैणगे। नानक मत्ती मिथ्या तेरी खौमे वाली मत झूठी है, तू खौमे वाली मत नाल तप करी जा, खौमे वाली मत नाल पाठ करी जा। नानक मत्ती मिथ्या कर्म सच्चा निशान, कर्म दा अर्थ बख्शिश फजल ग्रेस, असली निशान ओदी बख्शिश है। ते आरंभ च महाराज कहिंदे लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना परवान। लखां तरह की बंदा नेकियां करे, हुण मैं इहदे ज़्यादा डिटेल च नहीं जाना, इहनूं निंदिया च नाल जायो। किसी गरीब बंदे नूं कपड़े सला दिते, नेकी ते चंगियाई, ते लफ्ज़ दोनों कट्ठे ने जी, नेकियां ते चंगियाइयां अर्थ इक्को ने। मैं इन्ने गरीबां नूं ना जी कपड़े सवा दिते। मैं एक दिन कहा सी गंगानगर जदों एक कथा चली, मैं कहा ये कथा दे अर्थ आसा की वार दे हुण सच्ची जल जे, वाजा वजाण वाला उठ के तुर जूगा भी मैं पढ़ना की है, बाबा जी कहिंदे की पै। लख नेकियां चंगियाइयां की ने, मान लो असी नेकी दा काम, चंगियाइयां दा अर्थ लोक मेरी सिफत भी करन, भला भला कहन, नेकी कीती अपनी चंगियाई लई, मैनू भला भला लोक कहन। ते एक गल याद रखियो, जिस बंदे नू कोई कर्म करके, धर्म दा कर्म करके, सिमरन करके, बाहर मुखी कर्म करके, जिदे अंदर ये भोखे के खारथा मैं ही चंगा मनिया जा, बाबा जी कहिंदे बंदा कदी चंगा नहीं हो सकता। आपस को भला जो भला कहावै ते शह भलाई निकट ना आवै। हुण लखां नेकियां चंगियाइयां अपने आप नूं भला कमाण ले। मैं ये नहीं कहांगा समाज की सेवा नहीं करनी चाहीदी, मेरी बेनती अपनी खौमे विच क्यों फिट कर दित्ती, मैं कीता नहीं। नहीं गुरु कहिंदा बस ऐस मैं नूं कढ दे, ये निकल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि दो कट्ठे नहीं रह सकते। धर्म दा कर्म ते खौमे वाली मत ये मिथ्या है। मैं इत्थे तुहानूं एक दिन उदाहरण शायद दित्ती सी पिछले दिन ही कि मंसूर ये मसीत च गया, जुनैद तो इन्हें इहदा मुर्शिद कहा जांदा है, ते मंसूर मसीत विच पहुंचिया ते बूआ बंद सी जिसनूं सूली चाढ़िया गया। इन्हें बूआ खड़काया ते अंदरों आवाज़ आई कौन, जुनैद बोलिया कौन, ते मंसूर कहिंदा है मैं मंसूर, ते जुनैद बोल के कहिंदा इत्थे एक जने बहन जोगी थां है, इत्थे दो जणिया जोगी थां नहीं, जा चला जा, मसीत बड़ी वड्डी सी। वो कहिंदा जा जा इत्थों बाहर बैठ, इत्थे एक बैठ सकदा दूजा नहीं बैठ सकदा, दो जणिया जोगी थां ही नहीं इत्थे हैगी। मंसूर बाहर बह गया, एक दिन बहुत दो दिन बह, लोगों सोचा भी शायद ये मोची है, लोग जोड़े टुटे रखन लग पे, इन्हें समान मंगा के पालिश कर लग पाया,
साफ कर लग पिया, गंढन लग पिया, कई महीने निकल गया बैठा रहा जी बाहर, किसी ने थोड़ा बहुत कोई दे देना। कई महीनों बाद जुनैद ने मसीत का बूहा खोलिया तो आवाज दिती, इत्थे एक मंसूर आया सी, उत्थे होर कोई है ही नहीं सी, ओ ही जोड़े गंढ रहा सी। कहिंदा इत्थे फलाना बंदा आया सी, वो आवाजा मारदा सी, ते मंसूर ने कहा आया सी पर पता नहीं कित्थे गवाच गया, आया सी पर गवाच गया, इहदा मतलब मैं मर गई। कहिंदा सुनिया मंसूर आया सी, कहिंदा आया होवेगा कोई गवाच गया। तो जुनैद ने कहा मैनू भी पता वो गवाच गया, तां मैं आवाज़ नहीं मारी, मैं खुद लैण वास्ते तेनू आया वा। देखो कहानी बड़ी रमज वाली है, अपनी मत नूं विच रला के मैं इनियां बेटियां दे आनंद कारज कराए जी। कईआं ने सुन के बड़ा गुस्से तड़पना भी भाई साहब ने गल्लां कह दित्तियां, वह मैं कहांगा मैं नहीं कहिंदा, मेरा बापू कहिंदा किहड़ी भलाई लैनी चाहना तू एलबम्बा बना बना के बाहर तुरे फिरदे, आह देखो जी फलानी की बेटी का विआह कराया, फलाने के शहीदों को मैं रुपये दिते, ये की कहानी साल जी पई, मैं फलानिया विधवावां नूं इन्ना कोई दिता, मैं आ कुछ किया। मेरी बेनती जे नानक मती मिथ्या, बाबा जी कहते झूठ गए, तुसी डुब जाओगे, कर्म सच्चा निशान उहदी बख्शिश मंगो जिन्हें तुहानू सेवा करन दा बल दिता। फिर बेनती ये नहीं कहा सेवा ना तू कर, हुण नेकियां मैं सराह बना दित्ती जो साडे चलदा है, मैं इन्ना कुछ लवा दिता, मैं गुरुद्वारे च ए सी लवा दिते, मैं पखे लवा दिते, मैं आह कर दिता। ये की चीज़ हो रही है? गुरु ग्रंथ साहिब बाबा नानक कहते झूठा हौमे का मारिया मेरे घर भी अपनी मैल टंगण वास्ते आ जाता है। इस तरह है ना जी, पखा घूमता है उत्ते नाम लिखा होंदा है। मैं कई बार सोचना भी जिन्ना ये घूमता पे उन्ना ही वह घूमता होना जिदे नाँ ते दिता है। गुरु नूं क्यों नहीं क्यों अपनी मैं नहीं मरदी पई, ये हर थां ते विच डंग मार जांदी। सतगुरु कहिंदे लखां तू नेकियां कर, तू भले दे काम, इत्थे चोरी दा ते जिक्र ही कोई नहीं कीता जी, नेकियां दा कीता। तू खोवे लवा दे, तू सराह बनवा दे, तू गड्डियां लवा दे, तू दर्शन करा दे, तू लंगर ला दे, तू कंबल वंडी जा, तू विआह करी जा, तू न्याणे पाली जा, तू कोड़ियां नूं सब कुछ करी जा, सब कुछ कर, पर करन तो बाद कह तेरा फजल चाहिए मेरे वस दा रोग नहीं। मैं फिर बेनती करांगा, लख नेकियां चंगियाईयां, लखां नेकियां दे काम कीते अपनी चंगियाई लैण लई, अपने आप नूं भला कहाउण लई, लोक मैनूं भला कहन। ते सच्ची गल ठगींदे तुसीं भी सारे हो जिहड़े सोचदे पए हो, ठगींदे हो, जेबां तुहाडियां खाली कर जांदे ने ते बोर्ड अपने नां दे ला जांदे ने, चलाकी किन्नी है जी। तुहानूं पीला सरोपा मिल जाणा आराम नाल, तुसीं खुशी खुशी जाणा टैलीविजन 'च मैनूं सरोपा दित्ता सी, नहीं महाराज कहिंदे ने की सारी कहानी हो रही है झूठियां दी। लखां भले काम करदा है अपनी भलियाई लई, लख नेकियां चंगियाईयां, लख पुन्ना परवान, लखां तरह के पुन कीते। ते परवान का अर्थ ये नहीं समझना रब दे घर विच परवान, लख पुन्ना परवान का अर्थ है कि लखां पुन कीते ते लोकां ने स्वीकार कर लिया, एदू वड्डा पुन्नी कोई नहीं, कमाल दा पुन्नी। लख नेकियां चंगियाईयां, लख पुन्ना परवान, लख तप उपर तीर्थां, तीर्थ ते बैठ के लखां तप करी गया, बड़ी तपस्या कीती। ते महाराज अगे बचन करदे ने सहज जोग बेबाण, इहदा पाठ नाणे नाल करना, नन्ने नाल नहीं करना। सहज जोग बेबाण, बेबाण का अर्थ है जंगल बियाबाण। हालां चेते रखियो गुरु ग्रंथ साहिब च बेबाण का अर्थ है जहाज़ की शकल वाला। जदों असीं रामकली सद पढ़ने हाँ ना, उहदे विच इक बचन आउंदा है कि केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबाण हर रंग गुर भावै। उत्थे बेबाण का अर्थ जंगल नहीं, उत्थे बेबाण का अर्थ है कि वह अर्थी जिदी शकल जहाज़ वर्गी बन जाए। इहदा पाठ बेबाण करना है। लखां बंदा तपशा दे जंगल बियाबान च सहज योग का भी अभ्यास करे ते हठ योग का भी करे। दो तरह का योग है ना जी, सहज योग ते हठ योग, दोनों तरह का योग भी उत्थे कमा रहा है। सहज योग बेबाण, लख सूरतन संग्राम, लखां सूर में सूरतन सूर में सूरम गति प्राप्त करने वाले। अगे महाराज कहने रण मह, ये रण नहीं पाठ, रण नाणा है, रण मह छुट्टे प्राण,
बस इत्थे थोड़ी जी गल समझियो, लखां सूरमे मैदान विच लड़न वाले ते लड़ लड़ के मैदाने जंग विच अपने प्राण भी छड़ गए, रण मैं छुट्टे प्राण, उन्हां दी जिंद भी निकल गई, शहीद हो गए, सीधे लफ्ज वरता, रण मैं छुट्टे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़ी हैं पाठ, अगे है पुराण। मैं ये बेनती करनी चाहना, पहला पाठ आया प्राण, दूजा पाठ आया पुराण, हुण एक औंकड़ कितने अगे पिछे होगी तो प्यारे अर्थां दा अनर्थ हो जाना। जरूर फिर दोबारा सुनियो, लख सुरतन संग्राम, संग्राम का अर्थ आपां समझ गए, युद्ध मचिया पे लखां सूरमे, ये भलियाई की खातर ही है ना। अग ये गल याद रखियो, पहली तुक नहीं भुलना, तपी भी उहदे च आ गए, सूरमे भी उहदे च आ गए, दानी भी उहदे च आ गए, जिहड़े अपने आप नूं भला कहांदे। रख लख सुरतन संग्राम, लखां सूरमे मैदाने जंग विच भखे हुए युद्ध विच, रण मैं छुट्टे प्राण, इन्ने जूझ के लड़े, उन्हां दे प्राण मैदाने जंग विच पूरे हो गए। लख सुरती लख ज्ञान ध्यान, लखां श्रुतियां वेदां दियां, लखां तरह के ज्ञान कट्ठे कर लै, कई तरह के ध्यान पका लै। महाराज कहिंदे लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़ियां पाठ पुराण। प्यारे जिथे औंकड़ लग के पुराण है, एदा अर्थ है धर्म ग्रंथ, ते जिथे औंकड़ नहीं लगी प्राण, एदा अर्थ है साडी जिंद। बस ये तुसी कदी देखियो, मेरी बेनती है एक औंकड़ ही अर्थ चेंज कर जाती, पर कई बार सुनू मिल जाता पुराण नू प्राण ते प्राण नू पुराण पढ़िया जा रहा। लख सुरतन संग्राम, रण में छुट्टे पुराण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, लखां सुरतियां लखां पाठ लखां पुराणा धर्म ग्रंथां दियां गल्लां चल रही। पर मैं इत्थे संखेप जी एक बेनती जिहड़ी करनी चाहना, आपां कहांगे भी ये सारियां गल्लां खंडन, गल समझो, जिहड़ी गल अपनी भलियाई वास्ते भी मेरी वाह 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 हो जाए, वह चाहे पुराण होवे चाहे पाठ होवे, वह भावें मैदाने जंग होवे ते भावें दान होवे, वह भावें तीरथ दा कंडा होवे, वह भावें जंगल की गुफा होवे, वह भावें पहाड़ की कंदर होवे, जिथे ये बिरती बन गई भी मैनू चंगियाई मिले। बाबा जी कहिंदे नानक मत्ती मिथ्या, वह मत झूठी है, वह होमे वाली है। पर जे बंदा मान लो रण तत्ते च जूझद है ते अपनी खौ नू मार के कहिंदा मैं सूरा जो सो पहचानिए जो लड़ै दीन के हेत, दीन के हेत लड़े मत्ती मिथ्या ली नहीं। मेरी बेनती तुसी समझ गए होगे मैं की कहना चाहना, कि अपनी भलाई लई मर जाना भी लेखे नहीं, अपनी भलाई लई दान भी लेखे नहीं, अपने आप नू भला कहाउणा समाधि भी लेखे नहीं। महाराज कहिंदे ने जदों उहदी बख्शिश वरदी है उदों समझ पैंदी है, नहीं तो बंदे लोग मत्ती मिथ्या कर्म करी जा रहे हैं अपनी मत अनुसार। गुरु नानक साहब का एक अमृत बोल, ये तो सारिया के प्रमाण कट्ठे हो जाएंगे, ना भीजै रागी नादी बेद, ना भीजै सुरती ज्ञानी जोग, ना भीजै सोगी कीता रोज, ना भीजै रूपी माली रंग, ना भीजै तीर्थ भवें नंग, ना भीजै दाती कीता पुन, ना भीजै बाहर बैठिया सुन, ना भीजै भिड़ मरे भिड़ सूर, ना भीजै केते खोवै तूड़, लेखा लिखिए मन कै पाए, नानक भीजै सच है नाए। हुण इहदे अर्थ थोड़े जिहे मैं कर देना, क्योंकि इस श्लोक के अर्थ सौखे हो जाएंगे, ये रात तक भी चलेगा प्रकरण अगे। फिर बेनती है, ना भीजै रागी नादी बेद, भीजे का अर्थ खुश होना पतीज जाना, तो देखो ये मेरे लफ्ज नहीं जे, मेरे आदि गुरु जी दे जे। अज वेखो असी किसी बंदे कहने कोई बचन सुनाओ कोई गल सुनाओ, मैं कहना सतगुरु तुसी बड़ा तरस किया, हज़ारा बचन सानू दे गए, असी हज़ारा सुन के कमाया एक भी दे, एक ही कमा लीए। ना भीजै रागी नादी बेद, नहीं पतीजदा मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर, रागां च कोई गा गा के कह मैं परमात्मा नू खुश कर लांगा, नहीं नहीं, जे मत्ती मिथ्या है हौमे वाली बरती कह मैं बहुत सोहना गा रहा, तो महाराज कह तेरी अपनी मत कह। ना भीजै रागी नादी, मान लो कोई साज बजा बजा के कह, कोई वेदां की व्याख्या करके कह मैं बहुत वड्डा व्याख्याकार। अज जदों विचरने ना जी,
बख्श दे सिखा च एक कंपीटिशन चलता पे अजकल बड़ा जोर लगा पे वो सारे ना सच्ची गल जे जिन्हें बाहर भी जाइए भी तत्ता बोलियो फलाना बोलियो। मैं क्या सी बाबा जरनैल सिंह ताई बनिया जो शहीद हो गया जमदे ने किसे नहीं सी मरना मरन तैयार कोई नहीं बनना सारे वो चाहते ने नाम भी ओना बने पर जमद्या सब कोई देखिए साडा बन गया सवाल ही नहीं पैदा होंगे तुहाडे सामने दमगजे मारन वाले बंदे निक्की निक्की गल पिछे तिलक दे देखे कि यह व्याख्या कर करके कंपीटिशन करके साड़ी अपनी खौमे विच खलोती। मैं बहुत चंगा बोलिया मैं बहुत कथा की चेते रखियो विचों निकल जाता जिदी कथा होंदी पई है गल सिर्फ अपनी खौमे की फिर खलो जाती है। महाराज कहे ये मत्ती मिथ्या है ये झूठ है ना पीजा रागी नादी भेद। मैं कीर्तन किया मैं मेरे फिर बेनती सुनियो ओनू विचों मुनफी ना करो कथा होवे ते विच ओ खलोता होवे मेरा सतगुरु कीर्तन होवे ते मेरा साईं खलोता होवे दान होवे ते दाता विच खलोता होवे पुन करदा होवे ते तेनू देण वाला विच खलोता होवे। फिर प्यारे जो भी करोगे तिनका खादा पैदा माया सब पवित है जो नाम हर राते। हुण महाराज गुरु नानक साहिब दा इस श्लोक दी व्याख्या करदा है ना पीजै रागी नादी भेद नहीं भेजदा वह रागा गाउन नाल वेद पढ़न नाल साज बजान नाल ना भीजै सुरती ज्ञानी जोग सुरतियां पढ़ पढ़ के वेदां दियां महान ज्ञानी बन गए बड़े बड़े पंडित बन गए जोग साधना करते रहे। गुरु नानक साहब कहते नहीं भीजा वह खुश ही नहीं होया ना भीजै रागी नादी वेद ना भीजै सुरती ज्ञानी जोग ना भीजै सोगी जे बंदा सोग करे जिमें जैनी सरेवड़े ना पीजै सोगी कीता रोज उदास ही बही रहना खपी जाना कलपी जाना। महाराज कहते इस तरह भी नहीं वह खुश हों भी रोण वाला मूँह बना के तुरै फिर नहीं नहीं वह सोग च नहीं खुश हों। ना पीजै रूपी माली रंग तेरी चमड़ी बड़ी सोहनी रूह बड़ा सोहना तो जाके कह मेरे तो वध सोहना नहीं रब ने तेरी चमड़ी वेख के खुश हो जाना तेरे को माल मत्ता बड़ा है तेरे को पदार्थ बड़े ने। महाराज कहते ने खोवेगा अरबपति पर वह नहीं खुश हों क्योंकि वर्गे तेरे दर से किन्ने मंगते तुरे फिरते ना पीजै रूपी माली रंग ना पीजै। महाराज कहते ने वो नहीं भेजता इन्हों चीज़ा ना पीजै रागी नादी वेद ना पीजै सुरती ज्ञानी योग ना पीजै सोगी कीता रोज ना पीजै रूपी माली नंग ना पीजै तीर्थ भवें नंग कपड़े ला के नंगा तुरिया फिर खा। महाराज कहने की हो वाहगुरु भेजेगा ना पीजै बार बैठिया सुन सहज बेबान तू बहर बह गया जाके किसे तो आवाज ना आवे जंगल च बैठे उन्हें नहीं भिजना जिदी खातर बैठा पै तो वह तो विचों निकल गया तेरी खौमे में। ते अगे महाराज कहते भिजै भिड़ मरे भिड़ सूर अपने ही कहते ना भी बंदा शहीद हो गया मुक्त हो गया करी जो पिछो गल्लां। गुरु नानक साहब नूं पुछ के देखो कहने की प्रवान हो गया जे कल्ला मर जाने मंजिल है ते बाबा जी का एक सवैया तुसी असी रोज पढ़ने हाँ कि शुद्ध सिपा दुरंत दुबा सो साज सुना दुरजान दलेंगे सो साज सुना दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलै ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। कि वाहगुरु ला रण में छुट्टे प्राण खुश हो जाएंगे। फिर मैं शब्द दोहरा देना कि श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे ना पीजै पेड़ मरै पेर सूर ना पीजै केते होवै तूड़ एक कपड़े पा के विखावा करता दूजा कपड़े ला के पिंडे ते सवाह मल के विखावा करी जाता विखावा तो दोनों ही कर रहे हैं एक कपड़े नाल ढक के बॉडी दिखाता पे ये फिर ध्यान च रखियो ढक्की कपड़े नाल पर मतलब ये लोग मेरी बॉडी वाल आकर्षित होण ढक के अपने वाल लोगों खिंच रहा है तो दूजा मलंग बन के सवा मल के लोगों अपने वाल खिंच रहा खिंचते तो अपने वाल ही पैने दोवें ना भीजै केते खोवै धूड़। बाबा नानक जी सानू समझ कोई नहीं सानू दियो राह कह लगे लेखा लिखी है मन कह पाए नानक भीजै सच है ना सच्चे नाम नालों भिज जाता है
सच्चे की सिफत करिए खुश हुंदा है। इसे नूं बाबा जी ने बाणी च कहा, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो नवल भुअंगम साधे, पंच जना सो संघ ना छुटक्यो अदक अंग बुद्ध बांधे। अंग बुद्ध आह बड़े अर्थ सोने टुकणगे, जे मेरे पुन विच अंग बुद्ध है तो किसे अर्थ नहीं, जे मेरे पाठ विच अंग बुद्ध है किसे अर्थ नहीं। प्यारियो जिथे मत्ती मिथ्या अपनी खौमे वाली माते, वो सब कुछ झूठ है, वह मिथ्या है, चाहे वह जप चाहे तप चाहे दान पुन चाहे सुरम गति, पर जिथे वो बख्शिश का निशान पै जाए, निशान वाला रब की दरगाह विच प्रवान हो जाता है। मैं रात को इस संबंधी थोड़ी जी बेनती फिर करांगा, जिहड़ा असी शलोक पढ़े है कि नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग, पहला चिन्ह की गल की, हुण कीता भी बंदा अपने आप नू चंगा बनाने लई की करता है, किवें धर्म नू वरतदा है। लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्था सह जोग बेबान बेबान, लख सुरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करतै करना किया लिखिया आमन जान, नानक मत्ती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। तेरी खौमे वाली मत च कीते कर्म झूठे ने, यह मैं सिर्फ एक रात नू ते एक अगला, क्योंकि यतन करांगा पौड़ी दे अर्थ अज कर सकां। बख्शिश मंगो, सच्ची गल कुछ ना मंगो, कुछ सानू पता ही नहीं। एक बच्चा जिन्हों समझ कोई नहीं विचारे नू, वो की मंगे, जो कुछ मंगेगा उन्हू पता नहीं मेरा भला होना है कि बुरा होना है, सानू कुछ नहीं पता। गुरु नानक साहब जी असी अर्थ करते करते सानू कुछ नहीं पता, बस कृपा करो सानू अपनी कृपा दे दियो, तेरी मेहर च कदी नुकसान नहीं हुंदा, मेरे खौमे दे कर्म डूब जाणगे, तेरी कृपा डुबदे नू तार देगी। ये रात असी देखांगे कि कर्म सच्चा निशान की है, फिर वो जिन्हें सचो सच वरताया है, मूर्ख नहीं सच जानते। तो बाबा जी खीर ते पता है कि कहणगे, इक्को गल कहणगे, विच दुनिया काहे आया, कहीं आया दुनिया च कमाण, तू इन्ना कुछ कीता पर मत्ती मिथ्या च। सतगुरु कृपा करे मेरे तो बोलदियां बेंत भुल्लां होईयां ने, दास ने जो भी अर्ज़ कीती है सिर्फ बाबे नानक दे अमृत बोलां नूं आधार बना के।